धुओं वाले कमरे से व्यक्ति को रेस्क्यू करना, ठीक है। अब इसमें धुआं धुआं नहीं है, कमरा है आज, आगे वाले दिन क्या आएगा, ठीक है ना। अब अपने सीखेंगे कि किस प्रकार से गेट को खोल करके अंदर जाना है। अगर फर्श बढ़िया दिखाई दे रहा है, लग रहा है रूम छोटा है, तो रस्सी से अपने रूम खेलने की कोशिश करेंगे तो भी अपन सीखेंगे। अगर रस्सी नहीं है फिर भी अपन क्या करेंगे, उस व्यक्ति को बांध करके किस प्रकार से गेट को बाहर खींच करके आना है वो भी सीखेंगे, और रेंगते हुए किस प्रकार से जाना है वो भी सीखेंगे। समझ गए ना? ठीक है सर। ये अपने पास में एक रूम है, इस रूम में फॉर एग्जाम्पल क्या लगा हुआ है, आग लगी, आग लगने की वजह से क्या हो गया, धुआं ही धुआं हो गया, क्या हो गया रे, जलने की वजह से धुआं ही धुआं हो गया। अब अपने को क्या करना है, इससे बाहर निकालना है। एक व्यक्ति अंदर फंसा हुआ है ना, तो उनको बाहर निकालना है। कैजुअलिटी को बाहर निकालने के लिए अपने को क्या करना होगा, सबसे पहले अंदर कौन जाएगा, अभी क्या करना है अपने को, इस रूम में एंट्री करना है। पता चल गया कि इस रूम में धुएं की वजह से कोई व्यक्ति घायल हो गया, किसी ने बता दिया कि सर इस रूम में कोई था, कैजुअलिटी को बाहर निकालना है। मैं फायर फाइटर हूँ, मैं रेस्क्यू मेंबर हूँ, बचाव कार्य के लिए मुझे सारी चीज़ें आती है, या मैं आपको ट्रेनिंग करवाऊँ सिखा रहा हूँ। अभी क्या करना है, सबसे पहला तरीका होगा कि किसी प्रकार से वेंटिलेशन, देखो वेंटिलेशन एक ऐसा पार्ट है जो क्या कर सकता है, धुएं को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। अगर मैं पहले से मौजूद हूँ तब तो मैं कोई अलग विधि लगाऊंगा, पहले अंदर तो जाऊँ ना, उसके बाद में जाकर के देखेंगे कोई खिड़की है उसको खोल देंगे ताकि धुआं बाहर निकल जाए। अरे वेंटिलेशन करेंगे तभी तो धुआं बाहर निकलेगा। यस सर। अभी इस रूम में मुझे पता नहीं है, क्योंकि रूम मेरा तो नहीं है, वो पता नहीं किसका हो सकता है, मेरे को पता नहीं है किस कैसे बना हुआ है, क्या विधि अपने को करनी है, कुछ भी नहीं पता। समझ गए ना? नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, धुएं वाले कमरे में इंटर करने से पहले आपको आइडिया लगा लेना, आपके पास भी फायरमैन एक्स भी होती है, अगर आप लॉक लगा हुआ है टूट नहीं रहा, समझ रहे हो ना, या अंदर से किसी ने लॉक कर लिया दरवाज़ा खुल नहीं रहा, अगर अपना दरवाज़ा खुला हुआ है थोड़ा सा करके अपने आगे से बंद है, तब तो मैं थोड़ा नीचे होकर के इस प्रकार से क्या करूँगा, खोल लूँगा। समझिए ना, तब क्या होगा, जो धुआं है अचानक बाहर निकलेगा। ये भी होता है अचानक गेट को नहीं खोलना, कारण इसका ये होता है, आग जो लगती है वो कितने कारणों से लगती है रे, यानी आग लगने के लिए मुख्यतः कितने पार्ट्स है जो उपयोगी है, भीग है ना, इसमें एक सबसे बड़ा पार्ट ऑक्सीजन का है, किसका है, अगर ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में अगर इसको अचानक मिलेगी तो जहाँ आग भड़कने का बहरेगा, इसका मतलब अंदर कोई है वो सामान जल जाएगा, ज्यादा नुकसान होगा, इसका मतलब अपने को उचित मात्रा में ऑक्सीजन अंदर नहीं जाने देनी, यानी धीरे धीरे खोलना है ताकि वो भड़के न, समझ गए ना। तो ये अपने को सारी चीज ध्यान में रखते हुए स्टार्टिंग में जो थ्योरी पढ़ी है ना उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। अब इसको गेट को खोल करके, अब धुआं ही धुआं है, फिर भी कितना भी धुआं हो फिर भी आपको कुछ ना कुछ जरूर दिखाई देगा। धुएं वाले रूम के अंदर जाते टाइम आपके पास में क्या होता है, बीए सेट, क्या होता है, बीए सेट को पहन करके फिर कर लेंगे। अगर बीए सेट नहीं है, मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ मेरे पास में सबसे नियंत्रण नहीं है, कोई मेरे पास में बचाने वाले ऐसे उपकरण नहीं है जिसकी वजह से मुझे कुछ सहायता मिले, तब क्या करूंगा, मेरे पास में गिल्ली पट्टी होगी, क्या होगी रहा है, गिल्ली पट्टी को, पट्टी सूखी होगी पर उसको गिले पानी से पानी से गिला करके अपन क्या कर लेंगे, ताकि अंदर जा रहे हैं तो कुछ विषैली गैसेज है तो अपन क्या कर सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं। समझ गए? अब क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस, अब जाना है अपने को, मुझे पता नहीं अंदर क्या है क्या नहीं है, रेंगते हुए घुटनों के बल इस प्रकार से जाओगे, और हर एक हाथ को आगे लोगे ना तो एक हाथ का काम होगा आगे वाली चीज को देखते रहना, मतलब महसूस करते रहना कि आगे क्या है, जैसे मेरा इस पे दबाव है तो आगे वाला हाथ का क्या होगा, एक ये काम होगा कि कहीं दीवार तो नहीं आ जाए, कहीं जो आगे अपने पास में जो कैजुअलिटी है वो तो नहीं आ गई है, कहीं कोई ऐसी चीज नहीं आ गई जिससे मुझे आगे चोट लग जाए, समझ गए ना, कहीं ऐसी चीज नहीं जो गर्म है, यानी एक हाथ से अपने को आकलन करते रहना है, हटाता क्या करना है, आकलन करना है, समझ रहे हो ना। यस सर। अब ये रूम है, धुआं आग लगी हुई है, धुआं है, व्यक्ति को रेस्क्यू करना है। जैसे ही मैं गेट खोल के एंटर हो रहा हूँ, मेरे पास में बीएसएफ पहना हूँ, बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बीएसएफ नहीं बहुत ज्यादा रिस्की होती है, किसी भी प्रकार की केसेस होती है, किसी भी प्रकार का रूम होता है, कोई भी मेन एक्सट्रीम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब जाने का तरीका क्या होगा, रेंग अपने घुटनों के बल, किसके बल है, घुटनों के बल, ये तरीका रहेगा। इंटर कर दिया, इंटर करने के बाद में आपको क्या करेगा, ये हाथ, एक हाथ अगर आपका इस प्रकार से है ना, दूसरे हाथ देखते रहो आगे क्या है, उसके बाद दूसरा हाथ रखोगे आगे लेकर जाओगे, समझ रहे हो ना। Yes, sir. आगे जाने के बाद तरीका वही कल बताया था, आज अपने पास में फर्श सही है, रूम भी सही है, इसका मतलब इसको आसानी से जल्दी से लेके आ सकते हैं, समझ गए ना। Yes, sir. एक यार अपने को ये होता है कि यार आगे कितनी दूर चले जाएंगे, वापस रास्ता मिले या नहीं मिले, ये सबसे बड़ा वो है।
जी सर, अंदर जा रहे हैं आपका ये तरीका बता दिया कि हाथ आप ये देख रहे हो, तो इसमें सर टाइम लग सकता है कितना ही? मैं उसी जगह घूमता रहूंगा, भैंस चढ़ गई माइंड वैसे भी खराब हो जाता है, मैं उसी जगह घूमता रहूंगा। इसके लिए तरीका होता है रस्सी बांध के चला जाया करो। क्या बांध करे? रस्सी बांध के, क्योंकि रस्सी से वापस आ सकते हैं। फिर पता चल जाता रस्सी को खींच ले लेंगे, फिर पहले रस्सी इतनी ले लेंगे, पहले ग्रुप ढिल ले लेंगे ना, जैसे जैसे अंदर गए अपनी कैजुअलिटी मिली उसके बाद रस्सी को क्या करेंगे, खींचेंगे। खींच मारने के बाद हम लोग पता चल जाएगा कि अपना का जो वे है, अपना रास्ता है ना, रस्सी को पकड़ पकड़ के एक हाथ से रस्सी ली, उसके बाद में दोनों हाथों से आगे गए, उसके बाद रस्सी दोनों से आगे गए, उसके बाद में अपन बाहर उसी गेट से आ सकते हैं, क्योंकि रोप ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको उसी रास्ते से वापस से ले आ सकते हैं। समझ गए ना? सबसे पहले तो मैं खुद को बांध लूंगा, और इसी रस्सी के बीच में से अपने क्या कर सकते हैं, उसके हाथ भी बांध सकते हैं, और उसको उसको हाथ को यहाँ लगा करके अपने खींच के लेके आ सकते हैं, ठीक है? या अपने को उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, अब ये निजी नोट होती है, देखो रूम के बाहर तो दिखेगा सर, दिखेगा ना? यस सर, रूम के बाहर तो अपने को सब कुछ दिखेगा, इंटर होने के बाद में कुछ नहीं दिखेगा। अभी मुझे दिखाई दे रहा है, तो अगर पट्टी नहीं होगी दिखाई देगा ना? यस सर। उस स्थिति में बताऊंगा तो इसके मतलब मुझे सारी चीज दिख रही है, उसी तरीके से अपना प्रैक्टिकल नहीं होगा। अब क्या करना है, जैसे अपने यहाँ आगे गेट खोलने के बाद में इंटर करेंगे ना, यहाँ से दिखना बंद हो जाएगा, वैसे भी अपन आँख बंद कर लेंगे। यस सर। कार्बन है, आँख खुली थोड़ी रुकेंगे, वहाँ थोड़ा दिख रहा है ना, अब नीचे है अगर कुछ, अगर अपन लग रहा है कि अपन देख सकते हैं, अगर अपनी आँखें खोल करके क्या कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। अब इस स्थिति में रेंगते जाना वैसे ही है, एक हाथ से आगे वाला कोई भी हाथ हो ना, उस प्रकार से आप करते रहोगे, उससे मुझे दीवार दिखाई दे रही है।
अब इस दिन क्या करूं सुनो ध्यान से सुनो ध्यान से बात करता हूँ बात नहीं लोग कर रखा है यस सर यहाँ डाल लिया एक हाथ से अपना जो एक हाथ है ना उसका सर है ना मंत्री नुकसान हो जाएगा स्वास्थ्य जरूरी है कुछ नुकसान होगा चल रहे हैं ठीक है एक हाथ से क्या करना है उसकी सर को जैसे अपना अविस्त है ना तो पता है अपने को यार ये कुछ और भी हो सकता है सर को चोट लगी दिक्कत होगी उसको सर को उठा करके सर को उठा करके समझ गए ना यस सर क्यों भी दिखाना है भैया देख लिया ना यस सर पहले पहले मैं सिखा देता हूँ ना उसके बाद में एक दिन टाइम दूंगा स्पेशल आप यस सर अब चलो वहाँ करेंगे